ओम शांति। आज है 3 अगस्त 2021 की साकार मुरली। आइए सुनते हैं बाबा के महावाक्यों को। मीठे बच्चे, बाप दादा की याद प्यार लेनी है तो सर्विसेबल बनो, बुद्धि में ज्ञान भरपूर है तो वर्षा करो। प्रश्न, कौन सा नशा भरे हुए बादलों को भी उड़ा कर ले जाता, बरसने नहीं देता है? उत्तर, अगर फालतू देह अभिमान का नशा आया तो भरे हुए बादल भी उड़ जाएंगे, बरसेंगे भी तो सर्विस के बदले डिसर्विस करेंगे। अगर बाबा से प्यार नहीं, उनसे योग नहीं, तो ज्ञान होते हुए भी जैसे खाली हैं, ऐसे खाली बादल अनेकों का कल्याण कैसे करेंगे? ओम शांति। बाकी थोड़े बादल बचे हैं, जैसे बरसात जब कम हो जाती है तो सागर के ऊपर बादल नहीं होते हैं, ठंडे हो जाते हैं, वैसे यहाँ भी ठंडे हो जाते हैं। बादल उनको कहेंगे जो रिफ्रेश हो जाकर वर्षा बरसाते हैं। अगर कोई बरसात नहीं करते तो उनको बादल थोड़े ही कहेंगे। यह है ज्ञान बादल, वह है पानी के बादल। ज्ञान के बादल आते हैं जब सीजन होती है, रिफ्रेश हो जाकर औरों को रिफ्रेश करते हैं। बादल भी नंबरवार होते हैं, कोई तो बहुत जोर से बरसते हैं। बादलों का काम ही है बरसना और मुरझाए हुए पौधों को रिफ्रेश करना। जिनमें पूरा ज्ञान है वह छिपकर नहीं बैठते, उनको बाबा का डायरेक्शन भी नहीं चाहिए। है ही बादल, आते ही है भरकर बरसने के लिए। जहाँ देखे कलराठी जमीन है तो जाकर सब्ज करना चाहिए। महारथी बच्चे तो सब सेंटर्स को अच्छी रीति जानते हैं। कौन सा सेंटर ठंडा है, किस सेंटर्स के बच्चों को जास्ती तूफान आते हैं, महारथी सर्विसेबल अच्छी रीति जानते हैं। बाबा भी हमेशा कहते हैं सर्विसेबल बच्चों को याद प्यार देना। अच्छे अच्छे बादल सर्विस पर जाएंगे, प्रदर्शनी में भी कोई से बेकरस नहीं समझाते हैं। मुख्य बात ही यह है, गीता का भगवान निराकार परमपिता परमात्मा है, न कि साकारी श्री कृष्ण। समझाने का बड़ा अच्छा ढंग चाहिए। सारा दिन यही ख्यालात रहना चाहिए कि सबको जाकर जगाएं। सब घोर अंधियारे में पड़े हैं। सबको प्रेम से समझाते रहो कि दो बाप हैं, एक हद का और दूसरा बेहद का। बेहद के बाप को ही पतित पावन कहते हैं। अब तुम बच्चों को बुद्धि मिली है, दुनिया के मनुष्य देखने में भल भबके वाले हैं, परंतु हैं पत्थर बुद्धि। बाप खुद कहते हैं, इन साधु नाम वालों का भी मुझे ही उद्धार करना है, वह भी रचता और रचना को नहीं जानते हैं। सत्युग से लेकर फिर यह ज्ञान प्रायः लोप हो जाता है, परंतु यह किसको भी पता नहीं। शास्त्रों में यह ज्ञान है नहीं, उससे किसकी सदगति हो नहीं सकती। गीता का मान कितना है, परंतु वह तो है भक्ति मार्ग। बाप तो पतित पावन है, वह बैठ राजयोग सिखलाते हैं, तो जरूर राजाई के लिए नई दुनिया चाहिए। बाप ही आकर राजयोग सिखलाएंगे। यह भी अभी तुमको मालूम पड़ा है, जिन्हों को कल्प पहले समझाया होगा उनको ही अभी समझाएंगे, फिर समझेंगे। यह लड़ाई कोई वह नहीं है जैसे हमेशा चलती आई है, 8-10 वर्ष चलकर फिर बंद हो जाएगी। ड्रामा अनुसार बॉम्ब्स जो बने हैं वह कोई रखने के लिए नहीं है। पतित मनुष्यों का मौत होने बिगर सत्युग आएगा नहीं। शांति कैसे स्थापन हो यह भी समझाना पड़े। शांति स्थापन करना व श्रेष्ठाचारी दुनिया बनाना, यह तो एक बाप का ही काम है। बाप कहते हैं, और संग बुद्धि का योग तोड़ एक संग जोड़ना है। देह सहित जो भी कुछ देखने में आता है इन सब से तोड़ना है। अब हमको वापस जाना है तो घर को ही याद करना है। अभी तुम समझते हो यह है मृत्यु लोक,
हम अमर लोक में जाने के लिए अमर कथा सुन रहे हैं। देवताओं को कहा जाता है दैवी गुणों वाले मनुष्य, यहाँ तो एक भी हो न सके। कृष्ण के लिए भी कितनी गलानी लिखती है, कुछ भी बुद्धि में नहीं आता। अभी तुम बच्चों को अच्छी रीति पुरुषार्थ करना है, दैवी गुण धारण करने हैं। दैवी गुण किसको कहा जाता है वह भी समझाया जाता है। संपूर्ण निर्विकारी जरूर बनना है, यह है मुख्य पहला गुण। जहाँ तहाँ तुम देखेंगे पवित्र के आगे अपवित्र माथा टेकते हैं। सत्युग में है ही पवित्र तो वहाँ मंदिर होते नहीं, फिर जब पुजारी बनते हैं तो मंदिर बनाते हैं। जो पावन थे वही पतित बनते हैं, यह है बहुत जन्मों के अंत का जन्म। बाप कहते हैं इस पुरानी दुनिया को पुराने शरीर को भी भूलना है, इस पुरानी दुनिया को अब खत्म होना है। इसे खलास होने में देरी नहीं लगेगी। यह पुरानी दुनिया धन दौलत माल मिल्कियत सब गई की गई, थोड़े रोज बाकी हैं। दुनिया में थोड़े ही किसको पता है कि यह पुरानी दुनिया खत्म हो जाएगी। तुम सुनाते हो परंतु जब विश्वास भी बैठे ना। भगवान उवाच, जब समझे तब बुद्धि में बैठे। बाप तुम बच्चों को कहते हैं अपने को आत्मा समझ मुझ बाप को याद करो। बच्चे जानते हैं बेहद का बाप हमको राजयोग सिखलाते हैं। वह है सब आत्माओं का बाप, सब ब्रदर्स हैं। स्वर्ग में सभी ब्रदर्स सुखी थे, कलयुग में सभी ब्रदर्स दुखी हैं। सभी आत्माएं नरकवासी हैं। सिर्फ आत्मा तो नहीं होगी ना, शरीर भी तो चाहिए ना। अब तुम बच्चों को आत्म अभिमानी बनना है, इसमें ही मेहनत है। मासी का घर नहीं है, यह अवस्था पक्की तब हो जब पहले यह निश्चय हो कि परमपिता परमात्मा हमको पढ़ाते हैं। शिव बाबा आते ही हैं इस शरीर द्वारा पढ़ाने, हम भी शरीर द्वारा सुनते हैं धारण करते हैं। संस्कारों अनुसार ही एक शरीर छोड़ दूसरा धारण करते हैं। जैसे बाबा लड़ाई वालों का मिसाल देते हैं, लड़ाई के संस्कार ले जाते हैं तो फिर उनमें ही आ जाते हैं। अब बाप के संस्कारों का भी तुमको मालूम है कि निराकार बेहद के बाप में क्या संस्कार हैं। वह मनुष्य सृष्टि का बीज रूप है, पतित पावन ज्ञान का सागर है, वही आकर पावन बनाएंगे। बाप कहते हैं मामी कम याद करो तो तुम्हारे जन्म जन्मांतर के विकर्म विनाश होंगे, नहीं तो बहुत सजाएं खानी पड़ेंगी, पद कुछ भी नहीं मिलेगा। अब बच्चे जानते हैं बाबा हमको सहज रास्ता बता देते हैं। कहते हैं मन मना भव, यह अक्षर भी गीता में है परंतु इसका अर्थ नहीं समझते। बाप कहते हैं मामी कम याद करो, देह सहित देह के सब धर्मों को छोड़ अपने को आत्मा समझ मुझ परम पिता परमात्मा को याद करो। याद को ही योग अग्नि कहा जाता है। योग कॉमन अक्षर है, गीता में भी है परंतु सिर्फ कृष्ण का नाम डाल देने से घोर अंधियारा कर दिया है। अब तुम समझाते हो तो कह देते हैं यह तुम्हारी कल्पना है, कुछ भी पता नहीं पड़ता है। उनको वर्षा तो लेना ही नहीं है। पहले तो जब यह समझे कि यह बेहद का बाप बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है, वह हमको पढ़ाते हैं। यह पक्का निश्चय चाहिए। नए आदमी को निश्चय बैठ जाए असंभव है। कोई कोई नए नए भी सेंसिबल होते हैं तो समझ जाते हैं। कोई तो यहाँ आने भी नहीं चाहते, कुछ भी समझते नहीं, जरा भी बुद्धि में नहीं आता। इतने ढेर बीके हैं, जरूर इन्हों को बाप से वर्षा मिला होगा। वह फैमिली हो गई, नाम ही लिखा हुआ है ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तो फैमिली हुई ना। प्रजापिता ब्रह्मा की फैमिली कितनी बड़ी है परंतु यह बात किसी की बुद्धि में नहीं आ सकती। कोई पूछे आपकी एम ऑब्जेक्ट क्या है, बोलो बाहर बोर्ड पर लिखा हुआ है प्रजापिता ब्रह्मा कुमार कुमारियां, तो फैमिली हो गई। डाढ़े से वर्षा मिलता है,
प्रजापिता ब्रह्मा मुख द्वारा श्री बाबा रचना रचते हैं तो वह क्रिएटर ठहरा, स्वर्ग रचते हैं तो जरूर बच्चों को स्वर्ग का वर्षा देंगे। तो यह फैमिली हुई ना, बाप बच्चे बच्चियां और दादा है, ब्रह्मा भी है शिव भी है, वह है रचयिता। निराकार है तो बच्चों को वर्षा कैसे देंगे, ब्रह्मा द्वारा वर्षा देते हैं, यह अच्छी रीति समझाना चाहिए। बोलो, यह तुम्हारे बाप का घर है, इनको कहते हैं रुद्र ज्ञान यज्ञ। हम ब्राह्मण हैं, बाप के सिवाय और कोई राजयोग सिखला न सके। गीता में भी है ना, मन मना भव अर्थात मामेकम याद करो, तो हम उस एक बाप को ही याद करते हैं। भक्ति मार्ग में गाते हैं कि बाबा आप आएंगे तो हम वारी जाएंगे, हम आपके बनेंगे, हम आत्मा इस देह को छोड़ आपके साथ चली जाएंगी, आपके बनेंगे तो जरूर आपके साथ भी जाएंगे, सगाई करते हैं तो साजन साथ ले जाएंगे ना। यह शिव साजन भी कहते हैं, हम तुमको इस दुख से छुड़ाए सुखधाम में ले चलेंगे। फिर अपने अपने पुरुषार्थ अनुसार जाकर रचाई करेंगे। जो जितना ज्ञान धन धारण करेंगे उतना ऊंच पद पाएंगे। छोटी छोटी कुमारियां भी सर्विस कर रही हैं, उन्हों को ही बड़े बड़े विद्वान पंडितों आदि को समझाना है, शौक होना चाहिए। कुश्ती होती है तो बड़ी बड़ी चैलेंज देते हैं, तो इनके साथ हम लड़ेंगे। सर्विसेबल बच्चों को आराम से सोना नहीं चाहिए, आराम हराम है। जो भी अपने को महारथी समझते हैं उन्हें सुख से सोना नहीं है, सर्विस पर चक्र लगाना चाहिए। आजकल बाबा प्रदर्शनियां बहुत बनवाते रहते हैं, बड़ों बड़ों को निमंत्रण भेज दो, अभी नहीं तो पीछे आ जाएंगे। साधु संत महात्मा कोई भी हो जगाते रहो, परंतु बात करने वाला चाहिए महारथी। जिनका बाप से योग नहीं प्यार नहीं, वह तो जैसे खाली बादल हैं, वह क्या करेंगे। यह तो जानते हो, पढ़े हुए के आगे अनपढ़ भरी ढोएंगे। हरे खुद को समझ सकते हैं, हम कहाँ तक पढ़ा हुआ हूँ, सर्विस करके दिखाता हूँ। अगर बादल भरा हुआ है और बरसे नहीं तो वह बादल ही क्या काम का। हरेक को अपनी समझ चाहिए, फालतू देह अभिमान के नशे में रहेंगे तो ऊंच पद हमेशा के लिए गंवा देंगे। बाबा को सर्विस का कितना शौक है, गवर्नमेंट को समझाना चाहिए, तो हमको हॉल दो जहां हम यह रूहानी सेवा कर मनुष्य को देवता बना दें। बाप आए ही हैं राजयोग सिखाने, लेकिन युक्ति युक्त समझाना चाहिए। जो भाषण ही नहीं जानते वह थोड़ी ही समझा सकेंगे, ऊंच पद पा न सके, पद वह पा सकेंगे जो सर्विस करेंगे। बड़ों बड़ों को लिखो तो इस नॉलेज के बिगर भारत का व दुनिया का कल्याण नहीं हो सकता। एजुकेशन है मुख्य, इन लक्ष्मी नारायण ने भी एजुकेशन से ही पद पाया ना, अगले जन्म में राजयोग सीखे हैं। हम भी अभी यहाँ पढ़ रहे हैं, स्कूल में स्टूडेंट समझते हैं हम यह इम्तिहान देकर फिर जाकर यह बनेंगे। यह तुमको नॉलेज मिलती है, वह इस दुनिया के लिए नहीं है। तुम भी पढ़ते हो भविष्य 21 जन्मों के लिए प्रालब्ध बनाने के लिए, वह पढ़ते हैं इस जन्म के सुख के लिए, तो वह भी पढ़ना है और साथ साथ यह भी शिक्षा सीखनी है। इसमें डरने की बात नहीं, स्पिरिचुअल नॉलेज क्यों नहीं लेनी चाहिए, चित्र लेकर जाए समझाना चाहिए। बोलो, नॉलेज सबके लिए बहुत जरूरी है, परंतु बच्चे अजुन खड़े नहीं होते, नौकरी ठोकरी में फंसे हुए रहते हैं। बंधन मुक्त हैं तो फिर सर्विस में लग जाना चाहिए। श्रीमत पर सब चलने वाले तो है नहीं, बीच में माया घोटाला मार देती है। कोई कोई बच्चों को शौक बहुत है परंतु नशा नहीं चढ़ता कि हम जाएं बहुतों का कल्याण करें। तो बाबा भी समझे, जबकि बालिग हो गए तो गुटखा क्यों खाना चाहिए,
कह सकते हैं कि हमको तो भारत का उद्धार करना है, सच्ची सेवा कर मनुष्य को देवता बनाना है। बाबा को तो वंडर लगता है, नशा नहीं चढ़ता, इसलिए बाबा कहते हैं रजो बुद्धि है, चांस बहुत अच्छा है। ऐसे भी बहुत हैं जिनको नॉलेज का घमंड बहुत है, परंतु डिसर्विस बहुत करते हैं। यह तो गुड़ जाने, गुड़ की गोथरी जाने, राहु का ग्रहण बैठ जाता है, बृहस्पति की दशा उत्तर राहु की बैठ जाती है। अभी अभी देखो अच्छा चल रहा है, अभी अभी देखो फिर ग्रहचारी बैठ जाती है, गिर पड़ते हैं। बच्चों को तो बहुत बहादुर होना चाहिए, पान का बीड़ा उठाना है। हम इस भारत को स्वर्गवासी बनाकर छोड़ेंगे, तुम्हारा धर्म है नरकवासी को स्वर्गवासी बनाना, भ्रष्टाचारी को श्रेष्ठाचारी बनाना। बाबा नशा तो बहुत अच्छा चढ़ाते हैं, परंतु बच्चों में नंबरवार चढ़ता है। अच्छा मीठे मीठे सिकेल थे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार, और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार, नंबर एक, बंधन मुक्त बन भारत की सच्ची सेवा करनी है, रूहानी सेवा कर मनुष्य को देवता बनाना है, ज्ञान के घमंड में नहीं आना है, रूहानी नशे में रहना है। नंबर दो, निश्चय बुद्धि बन पहले अपनी अवस्था पक्की करनी है, देह सहित जो कुछ देखने में आता है उनसे तोड़ना है और एक बाप के साथ जोड़ना है। वरदान, बाप के संस्कारों को अपना निजी संस्कार बनाने वाले व्यर्थ व पुराने संस्कारों से मुक्त भव। कोई भी व्यर्थ संकल्प व पुराने संस्कार देह अभिमान के संबंध से हैं। आत्मिक स्वरूप के संस्कार बाप समान होंगे। जैसे बाप सदा विश्व कल्याणकारी परोपकारी रहम दिल वरदाता है, ऐसे स्वयं के संस्कार नेचुरल बन जाएं। संस्कार बनना अर्थात संकल्प बोल और कर्म स्वतः उसी प्रमाण चलना। जीवन में संस्कार एक चाबी है जिससे स्वतः चलते रहते हैं, फिर मेहनत करने की जरूरत नहीं रहती। श्लोगन, आत्मिक स्थिति में स्थित रह अपने शरीर द्वारा कार्य कराने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं। आत्मिक स्थिति में स्थित रह अपने रथ शरीर द्वारा कार्य कराने वाले ही सच्चे पुरुषार्थी हैं। शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। रोज मुरली सुनने के लिए आप शिव बाबा मुरली मधुबन चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि डेली शिव बाबा मुरली आपके पास सबसे पहले पहुंचे। ओम शांति।